22 अक्टूबर नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति नागपुर की तरफ से आज से नागपुर में खासदार ट्रॉफी एकल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अवधारणा और प्रयासों के साथ नागपुर में हर साल खासदार ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसी के तहत इस वर्ष नागपुर में एकल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और खासदार ट्रॉफी एकल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी और संस्कार भारती की अध्यक्ष कांचन गडकरी ने किया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कलाकार और चित्रकार मौजूद थे। कांचन गडकरी ने साइंटिफिक हॉल लक्ष्मी नगर में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर एकल स्पर्धा की शुरुआत की। आज से 3 दिन तक चलने वाले इस खासदार ट्रॉफी एक दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 24 एकल स्पर्धा प्रस्तुत की जाएंगी। इससे कला प्रेमियों को 500 से अधिक चित्रकारों की कृतियां देखने को मिलेगी। नागपुर में आज 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाली इस प्रतियोगिता में पुरस्कार समारोह का दुनिया भर के OTT प्लेटफॉर्म से सीधा प्रसारण किए जाने वाला है और इसके लिए इसे ग्रुप आवास मीडिया की स्टेज टू स्क्रीन कॉन्सेप्ट पर आधारित ऐप प्लेक्सो के जरिए लॉन्च किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।